Hey kids, let's begin with the next topic of preposition. Under that, we'll be talking about prepositions of place or position. The very first one under this is at. Let's take the example. At the center, turn left at the next crossing. At Sagar Ratna, at a meeting. He sat at the table and took his lunch. इससे क्या समझ में आ रहा है? कि किसी एक स्पेसिफिक मीटिंग पॉइंट की बात हो रही है, स्पेसिफिक प्लेस की बात हो रही है, और कोई भी आर्टिकल है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रखा हुआ है. ऐसी सब चीज़ों के लिए हम जब हम इन सब की बातें करते हैं तो कहाँ उस जगह कौन सा वाला प्रीपोजिशन यूज़ होता है? एट यूज़ होता है. जैसे आपने अगर ये बात कर रहे हैं, लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल, टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग. उनको कहाँ पे मुड़ना है? नेक्स्ट क्रॉसिंग पे मुड़ना है, तो उनको कहाँ जाके लेफ्ट लेना है? एट दैट पॉइंट. वो कौन सा टिपिकल पोजीशन है कि उनको लेफ्ट पे एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग दे हैव टू टर्न. सो यर दैट विल बी द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. एट सागर रत्ना, सपोजिंगली यू हैव टू मीट समबडी, तो इसका अगर हम पूरा सेंटेंस बनाते हैं तो हम बोल सकते हैं विल बी मीटिंग एट सागर रत्ना टुडे. सो आपने एक स्पेसिफिक प्लेस डिसाइड किया है तो हम ऐसी जगह at use करते हैं. I hope it's easy to understand now the usage of at. Let's move to the next one. On the table. You're talking about the position. On the table. There is a dark patch on the wall. Patch कहाँ पे है? Wall पे है. So you're telling the exact position that the patch is on the wall. So on का usage इस तरीके से है. ठीक है? Now. In. He came in a taxi. I spent my childhood in Tamil Nadu. He came in a taxi. I spent my childhood in Tamil Nadu. In these two sentences, you might have noticed, he came in a taxi. वो किस में आया? एक confined area है. I spent my childhood. कहाँ पे? In Tamil Nadu. So here, you're talking about a specific place. ऊपर वाले sentence में, he came in a taxi. एक confined स्पेसिफिक एरिया है प्लेस की, और किस चीज़ में आया? दैट इज़ अ कन्फाइंड स्पेस. तो इन दोनों के अंदर कहाँ पे क्या चीज़ का, कौन से प्रपोजिशन का यूसेज हुआ है? इन का हुआ है. दैट इज़ यू नीड टू बोर्ड दैट पर्टिकुलर थिंग एंड यू नीड टू रीच टू दैट प्लेस, पहले वाले में. सेकेंड एग्जाम्पल में, आई स्पेंड माई चाइल्ड हुड वेयर? इन तमिलनाडु, उस जगह पे. सो इन दोनों के अंदर आपने क्या यूज़ किया? प्रपोजिशन इन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. बिटवीन अमंग. Between, Raja is standing between Rahul and Arun. See children, when we talk about between, इसके अंदर दो लोगों के बीच में हमेशा हम use करते हैं, या two things when we are talking about. Between the two windows. ठीक है? So between is used for two things. आप अकेला between use नहीं कर सकते. It has to be between someone or somebody or something. Okay? Whereas when we talk about among, the rabbit lay hidden among the bushes. वहाँ पे जितनी bushes थी उनके बीच में था rabbit. In the second sentence, I felt relieved to find myself among my own people. That is, whosoever was present there, उन लोगों के बीच में उसको रह के बड़ा अच्छा लगा. Okay. In few cases, when we talk about between or among, there are few things which are common. Among or between are used for dividing or sharing. There is a typo error. It is not for, it is or. Dividing or sharing. ये दोनों similar meaning रखते हैं जब हम इस purpose से अगर use कर रहे होते हैं. Look at the sentence. Mr. Munjal divided the property equally between or among his sons and daughters. इसका मतलब क्या है? कि Mr. Munjal ने अपनी property बराबर बांटी किनके बीच में? अपने बेटों और बेटियों के बीच में. अगर अमंग की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? जितने उनके बच्चे हैं, बी इट सन्स और डॉटर्स, उनके बीच में इक्वली अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड की. सो जब बिटवीन की बात कर रहे हैं, वो भी बिटवीन पीपल, टू और मोर, और अमंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जितने प्रेजेंट हैं वो तो हैं ही, या इन रिलेशन जो उनके हैं ब्लड रिलेशन में वो भी. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस between and among and how they are used together also. That is, when we talk about between and among separately, you have understood. But in the second scenario, when we are talking about between and among, they are used for dividing or sharing in both the cases.
Next is above or over. Above and over both are used for higher than. एक specific height से ऊपर, higher than. Okay. The flags waved above our heads. हमारे बराबर नहीं है, हमारे heads के ऊपर, because flag is waving above our heads. The flags waved over our heads. ये भी हम एक height के ऊपर, specific height के ऊपर बात कर रहे हैं. In both the cases, these two sentences, these two can be used for the same purpose. And the meaning also remains the same. Over can be covering or vertically over. Again, there is a type here, children. Over can be used for covering or vertically over. ठीक है, इसका example क्या है? The fan was directly over my head. Just exactly over his head. Whereas in the second sentence, the thick foliage over our heads protected us from rain. फॉलीज, आपने वो देखा है बाहर प्लास्टिक का एक शीट जैसा हम लगा देते हैं, उस तरह का प्रोटेक्टेड शीट लगा हुआ, वो किसके, जस्ट ओवर आर हेड्स. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड वर्टिकली एंड कवरिंग. एज अ कवरिंग इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, द फैन वॉज डायरेक्टली ओवर माई हेड, वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजिशन एक्सप्लेन कर रहा है कि वो किस पोजिशन में फैन है, जस्ट डायरेक्टली ओवर हिज हेड. वेर एज इन द सेकेंड सिनेरियो द थिक फॉलीज, उसमें वो वर्टिकल लगी हुई होती है, हल्का सा स्लांटेड होता है ना. सो इट इज़ यूज्ड फॉर कवरिंग और प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम रेन. सो यहाँ पे वो कहाँ है, वो भी एग्जैक्टली ओवर देयर हेड, वो भी एक पोजिशन शो कर रहा है, और वो कैसा है, वर्टिकल पोजिशन है. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर यूजिंग ओवर. स्विच टू द नेक्स्ट वन, बिलो और अंडर. बिलो और अंडर इज यूज फॉर लोअर देन. जैसे ओवर की हम बात कर रहे थे तो ओवर यूज होता है हायर देन के लिए, whereas below की जब हम बात कर रहे हैं तो वो होता है lower than के लिए. Sometimes either of them. His body was below or under the water. दोनों का मतलब सेम है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में. अगर आप अंडर वाटर की बात कर रहे हो या बिलो वाटर बात कर रहे हो, तो दोनों चीज़ का मीनिंग सिमिलर है. Whereas under also means vertically below, also has the idea of contact. कि उस पर्टिकुलर चीज़ के कॉन्टैक्ट में अगर हम आते हैं तो भी हम उसको उसके अंदर हम उसके लिए हम अंडर यूज़ कर सकते हैं. द कैट ले क्राउच्ड अंडर द टेबल. सो यहाँ पे कैट की पोजिशन क्या है, दैट द कैट इज जस्ट अंडर द टेबल. ओके, सो इट इज बिलो दैट पर्टिकुलर आर्टिकल विच इज देयर, एंड दिस आर्टिकल इज टेबल. नाउ बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, पोजिशंस ऑपोजिट टू ईच अदर. इसमें कैसी पोजिशन है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. एग्जाम्पल लेते हैं, अ लॉन्ग क्यू हैड फॉर्म्ड बिहाइंड मी. तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जहाँ पे वो पर्सन, गर्ल या बॉय खड़ा है, उसके पीछे एक लॉन्ग क्यू बन गई है. ओके, तो वहाँ पे पोजीशन क्या है, जस्ट ऑपोजिट टू दैट. एक आता है, देयर वर ओनली टू पैसेंजर्स इन फ्रंट ऑफ मी. इस वाले में, पहले वाले सेंटेंस के अंदर उसके पीछे है, वेयर एज इन द अदर सेंटेंस the two passengers are sitting in front of me, that is just opposite to that particular person. I hope it is easy to understand that we are talking about the positions opposite to each other. Beside, by the side of or next to. ठीक है, there is a table lying beside the bed. Bed के पास में रखा हुआ है, बिल्कुल उसकी side पे रखा हुआ है. Whereas in the other sentence, the girl's hostel was right beside the school building. कि गर्ल्स हॉस्टल कहाँ है, एग्जैक्टली वॉज राइट बिसाइड, बिल्कुल उसके पास में स्कूल बिल्डिंग, वॉज राइट बिसाइड द स्कूल बिल्डिंग.